हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट पर आप हैं निखिल सिंह के साथ। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के हिंदी मीडियम छात्रों के लिए हम लेकर के आए हैं एक सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गणित प्रथम प्रश्न पत्र। आज का हमारा टॉपिक है आव्यूह। आज हम जानेंगे आव्यूह क्या है, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह क्या है? किसी भी डेटा का पंक्ति तथा स्तंभ में निरूपण आव्यूह कहलाता है। जैसे नीचे दिया गया उदाहरण है, इसमें दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं। इसमें A11, A12, A21 और A22 ये इस आव्यूह के अवयव हैं। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n है तो हम कहेंगे कि आव्यूह की कोटि m क्रॉस n है। जैसे दिए गए आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 2 तथा स्तंभों की संख्या 2 है तो इस आव्यूह की कोटि 2x2 है। विभिन्न विशेषताओं के आधार पर आव्यूह कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्तंभाव्यूह, वह आव्यूह जिसमें केवल स्तंभ ही दिया गया हो या जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे A11 और A21, इस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ है, इसलिए यह स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। इसी प्रकार वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति दी गई हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक उदाहरण, A11 A12, इस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति दी गई है, इसलिए इसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। वर्गाव्यूह, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्याएं समान होती हैं, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे दिए गए उदाहरण में पंक्तियों की संख्या 2 है तथा स्तंभों की संख्या भी 2 है, इसलिए इसे हम वर्ग आव्यूह कहेंगे और इसकी कोटि भी 2x2 ही होगी। विकर्ण आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव अशून्य हों तथा और सभी अवयव 0 हों, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे दिए गए उदाहरण में A11, A22, A33 ये अशून्य राशियां हैं, लेकिन जो दूसरे अवयव हैं वो 0 हैं, इसलिए इसे हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। और चूंकि दोनों की पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है, इसलिए यह वर्ग आव्यूह भी है। अदिश आव्यूह, वह विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव अशून्य और समान हों और अन्य अवयव 0 हों, अदिश आव्यूह कहलाता है। जैसे दिए गए अवयव में हमारे विकर्ण के अवयव सारे अवयव A हैं और अन्य अवयव 0 हैं और जो A है वो एक अचर राशि है। तत्समक अवयव, वह अदिश आव्यूह जिसके विकर्ण के हर अवयव का मान 1 होता है, तत्समक आव्यूह कहलाता है। किसी n कोटि के तत्समक आव्यूह को IN से प्रदर्शित करते हैं। IN इसलिए क्योंकि तत्समक आव्यूह को अंग्रेजी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए 1001, इसमें विकर्ण के अवयव 11 है और इसकी कोटि भी 2x2 है, इसलिए इसे हम I2 से प्रदर्शित करेंगे। शून्य आव्यूह, वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। जैसे दिए गए उदाहरण में सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए हम इसे शून्य आव्यूह कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि यह वर्ग आव्यूह ही हो, इसकी स्तंभ तथा पंक्तियों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आव्यूह के बारे में आगे बात करेंगे। अगर आप हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।